आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सियासत का शीत युद्ध। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में जो कुछ देखने को मिला वो किसी युद्ध से कम नहीं है। आपको यह भी बता दें कि अब यह शीत युद्ध शुरू हुआ है तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक चलने वाला है। आज संसद के शीतकालीन सत्र की समाप्ति हो गई, लेकिन मुद्दों की जंग जो चली है वो जोरदार है। एक तरफ विपक्ष पहले संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हंगामे पर अड़ा रहा, फिर विपक्षी सांसदों का निलंबन शुरू हुआ तो हंगामा और बढ़ गया। उसके बाद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारी तो मोदी सरकार ने इसे हथियार बना लिया, साथ ही विपक्ष को बुरी तरह से घेर लिया। अब मोदी सरकार और विपक्ष में आमने सामने की लड़ाई है और मुद्दों के इस शीत युद्ध में कौन बाजी मारता है, नतीजा 2024 में निकलेगा। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना, चेयरमैन साहब ने मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को जातिवाद पर लाया है। राहुल गांधी का, गांधी परिवार का ये बिल्कुल नाश होना तय है। जो संविधान के चौकीदार है वही चोरी में शामिल है। ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है। अहंकार की चरम सीमा है, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास की उसकी भी गरिमा का उन्हें आभास नहीं रहा। ये अपमान हुआ, देश के बड़े बड़े लोग रोजाना लोगों की मेमोरी कर रहे हो तो किसी अपमान। ये संसद के शीतकालीन सत्र का शीत युद्ध है। ये सत्ता और विपक्ष का शीत युद्ध है। ये सांसदों के निलंबन का शीत युद्ध है। ये राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करने पर छिड़ा शीत युद्ध है। आज सड़क से संसद तक बीजेपी, विपक्ष से लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर गरज रही है। हमारे देशवासियों की बद्दुआ है कि राहुल गांधी का, गांधी परिवार का ये बिल्कुल नाश होना तय है और हमारे देश से कांग्रेस का खत्म होना बिल्कुल तय है। और आज भी कांग्रेस कह रही है ये कोई मुद्दा ही नहीं, ये तो 2024 में देश की जनता ये इलेक्शन में जवाब देगी कि ये मुद्दा है या नहीं है। तो संसद से निलंबित हुए विपक्ष के तमाम सांसद सड़क पर विरोध का एक जुलूस लेकर निकल गए और सांसदों की बर्खास्तगी पर सीधे मोदी सरकार को ललकार रहे हैं। एक दिन में या दो दिन में 150 सांसदों को आप बलि चढ़ाते हो, क्या ये लोकतंत्र है? हम संविधान बचाने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं और जो संविधान के चौकीदार है वही चोरी में शामिल है। संसद के शीतकालीन सत्र से शुरू हुआ ये शीत युद्ध है जो अब 2024 के लोकसभा चुनावों तक चलना लाजमी है। मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है, इसलिए आगाह करते हैं जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। ये कंधे मां भारती के कंधे हैं और जाटों की रीढ़ की हड्डी कभी झुक नहीं सकती। ये वो रीढ़ की हड्डी है
जो हम सबको एक करके खड़ा करती है। इसलिए जाटों की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, इसकी मिमिक्री करने की कोशिश करना यह अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद के आखिरी शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। विपक्ष 146 सांसदों के निलंबन को लेकर सड़क पर उतरा तो बीजेपी लगातार दूसरे दिन उपराष्ट्रपति के अपमान पर आक्रोश दिखाने उतरी। This shows the mindset of the BJP. They suspended a record 142 MPs and passed one bill after the other. This shows that this is no longer a parliament. This is primarily just a BJP headquarters and the BJP want to kill the idea of parliament. और इस अपमान का बदला ये देश इनसे लेगा, ये राहुल गांधी हो या उनके अलायंस के लोग हो, अब ये देश उनको बताएगा कि आपकी इस कृत्य का बदला देश आपको आपको औकात बता करके ले। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से तीन राज्यों में बीजेपी की जीत वाली हैट्रिक के बाद 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होता है और 17 दिन में यानी तय तारीख से एक दिन पहले 21 दिसंबर को खत्म हो जाता है। इस शीतकालीन सत्र ने संसद की सुरक्षा में चूक देखी और इस पर जो बवाल मचा, हंगामा मचा, संग्राम छिड़ा, वो एक शीत युद्ध बन गया। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की, मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है, मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम जो कोई बोलने के लिए ठहरे कि चिदंबरम साहब थे हमारे, शिवा थे और करीम साहब थे, वाईको साहब थे, सभी थे, टीएमसी सभी थे, वो बात करने के लिए तो उठे, तो जितने मेंबर्स उनके हैं राज्यसभा के वो पूरे उठ के खड़े हो गए, स्लोगन शाउटिंग। ये कहीं है रूलिंग पार्टी खुद 10 लोगों के लिए अगर 200 लोग खड़े होते हैं तो ये एक मजाक है डेमोक्रेसी का। जिन मुद्दों पर शीतकालीन सत्र का शीत युद्ध शुरू हुआ है, यकीनन ये मुद्दे 2024 तक जाएंगे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार तानाशाह है और बीजेपी कह रही है विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जैसे पद का अपमान किया है। बीजेपी ने धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे को जाति और किसानों के सम्मान से जोड़ दिया है। आज तक ब्यूरो।